अब यूपी के बाराबंकी से ब्लॉक मसौली के अंतर्गत बेहटा गांव से बड़ी खबर, जहां राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया और साथ ही साथ गरीबी व असहाय लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल भी वितरित किए गए। जाके राष्ट्रीय अखंड पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम तीरथ यादव कार्यक्रम में आए हुए थे और समस्त लोगों को मानवता के सम्मान के बारे में समस्त प्रकार की बातें भी बताई और अपनी पार्टी और समस्त पदाधिकारियों की तरह से गरीब असहाय लोगों को मदद करने की सलाह दी। फिलहाल आप देख रहे हो डीएस न्यूज। इसके साथ ही साथ उन्होंने मीडिया कर्मचारियों से कुछ बातचीत करते हुए पूरी जानकारी भी दी, ये भी सुनते हैं इस रिपोर्ट में। आज का जो कार्यक्रम रहा है भैया, वो जो है कार्यक्रम का मकसद क्या रहा है, किस लिए कार्यक्रम लगाया? आज राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी की तरफ से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की तरफ से इस पावन भूमि पर बेहटा की जमीन पर इस क्षेत्र की जनता के लिए इस मकर संक्रांति कार्यक्रम के शुभ अवसर पर खिचड़ी भोज और तहरी भोज का आयोजन करके और इस क्षेत्र के जो असहाय गरीब पीड़ित हैं, जो इस ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनके लिए पार्टी की तरफ से कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिनका अभी पार्टी तरफ से शुरुआत 101 लोगों को कंबल का वितरण किया गया है। यह पर शुभ नेम और क्या पद है आपका? मैं राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता राम तीर्थ यादव। जो इस मीटिंग लगाकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को इस कार्यक्रम के मकसद माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारी पार्टी का एक मेन आधार है, सहयोग, समझौता और सम्मान चाह रहा हर इंसान। आप खाना, कपड़ा, पानी किसी को ना दें, लेकिन सम्मान देना बहुत जरूरी है। आज हमने अपनी पार्टी की तरफ से एक छोटा सा सम्मान के रूप में कंबल वितरण करके सम्मान देने का काम किया है और जिन लोगों ने आ करके हमारे सम्मान को ग्रहण किया है, पार्टी उसके लिए बहुत बहुत आभारी है और उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी पार्टी का सम्मान रखा और आ करके इस हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद दिया।